चुनाव परिणाम काफी हद तक नेतृत्व पर भी निर्भर करते हैं। राजनीतिक पार्टियां कई बार चुनाव में चेहरे पर चुनाव लड़ती हैं, कई बार ऐसा करने से बचती भी हैं। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा मुख्य राजनीतिक दल किस चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ेंगे इस पर भी चर्चाएं आम हैं। हालांकि अब तक की स्थिति ये जाहिर करती है कि प्रदेश में किसी चेहरे पर चुनाव उस राजनीतिक दल के लिए शुभ संकेत नहीं होते। उत्तराखंड में चेहरे घोषित करके बीजेपी और कांग्रेस एक एक बार फजीहत झेल चुकी हैं। इस बार क्या कहना है दोनों दलों का, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है और निश्चित रूप से जो भी इशू होता है इसको सब हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है कि इसमें क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। चेहरे पर क्या हाईकमान? चेहरा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लेकिन चुनाव के बाद हाईकमान तय करता है? देखिए, हर चीज हमारे यहाँ जो भी तय करता है हाईकमान ही तय करता है। नारा नहीं चलने वाला है, काम चलने वाला है। हमने काम किए, जब सरकार में हम थे हमने इस प्रदेश के विकास के लिए जो मेहनत की वो मेहनत सबके सामने है, उसके रिजल्ट सबके सामने है, उसके परिणाम बहुत ही सुखद थे और उन्हीं सुखद परिणामों का एहसास करते हुए लोग ये उम्मीद कर बैठे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विदा कर कांग्रेस को आगे लाएं। पार्टी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है, 2 महीने बचे हैं। कांग्रेस अपने आप एक चेहरा है। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनमोहन भट्ट तार्किक रूप से बताते हैं कि उत्तराखंड में राजनीतिक दल क्यों सीएम फेज घोषित नहीं करते। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो स्वतः ही एक चेहरा मान लिया जाता है, वो रेस में हमेशा बना रहेगा, एक तो वो स्वाभाविक तौर पर है। लेकिन चेहरा स्पष्ट रूप से घोषित विपक्ष को करना होता है और विपक्ष अगर चेहरा घोषित करता है तो उस विपक्ष के नेता के विपक्ष में भी कई सारे लोग होते हैं उसी की पार्टी में, इसलिए आमतौर पर चेहरा घोषित नहीं किया जाता। और ये बड़ा मतलब स्पष्ट है, खंडूड़ी जी चेहरा घोषित हो गए थे जिस वक्त उनको दोबारा से निशंक को हटा के मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन खंडूड़ी जी अपनी सीट हार गए। भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से हारी लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार गई कांग्रेस से, चाहे वो एक सीट से ही हारी। ऐसे ही हरीश रावत घोषित चेहरा थे 2017 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, वो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उम्मीदवार थे, खुद भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो चुनाव हार गए क्योंकि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ पार्टी का जो एक कैडर होता है, पार्टी के जो समकक्ष दूसरे नेता होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस तन्मयता के साथ काम नहीं करते जिस तन्मयता के साथ काम करना होता है पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर हम इस व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये व्यक्ति सत्ता में आ जाएगा तो हमारा क्या होगा। और वो बड़ा कारण होता है, गुटबाजी सबसे प्रमुख कारण है जो आमतौर पर चेहरा घोषित होने से रोकता है। और अगर आप देखेंगे इस चुनाव में भी ना हरीश रावत को स्पष्ट रूप से चेहरा घोषित किया गया है, ना पुष्कर सिंह धामी को स्पष्ट रूप से चेहरा घोषित किया गया है। ये दोनों चेहरे हैं, रेस में हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये बने हुए हैं, लेकिन पार्टी ने इनको कहीं पर भी चेहरा घोषित नहीं किया है। दरअसल 2012 में बीजेपी ने खंडूरी है जरूरी कहकर उन्हें सीएम फेस बताकर चुनाव लड़ा तो जनता ने बताया कि उनके लिए क्या जरूरी है। 2017 में कांग्रेस ने हरीश रावत पूरे 5 साल कहकर उन्हें सीएम चेहरा प्रोजेक्ट किया तो जनता ने हरीश रावत को भी नकार दिया। सिर्फ उनकी पार्टी को ही नहीं नकारा बल्कि हरीश रावत तो मुख्यमंत्री रहते 2-2 सीटों से परास्त हो गए। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी और कांग्रेस ने हार के डर से चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित नहीं किए हैं, क्योंकि मिथक हमेशा नेताओं को डराते आए हैं। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।